आज हम बाटिप सीजन 2 के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में वॉचर हमें ओडिन के बारे में बताता है, जहां ओडिन ने हेला के साथ मिलकर नैम रेल्स को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके बाद ओडिन रुक जाता है। पर हेला अभी भी नहीं रुकती और ओडिन से कहती है अभी पूरा ब्रह्मांड पड़ा हुआ है और तुम नाइन रेल्स तक रुक गए। तो ओडिन उसे यहीं तक रुकने को बोलता है, पर हेला नहीं मानती तो ओडिन उसे हेल में भेज देता है। पर इस यूनिवर्स में हेला कुछ और ही चाहती थी और ओडिन से कहती है तुम चाहते हो कि मैं लड़ना छोड़ दूं, ये सब आपने मेरी वजह से हासिल किया है और आप जानते हो कि मैं लड़ाई के बिना कुछ भी नहीं हूं। जिसके बाद हेला अपने हैमर से ओडिन पर हमला करती है तो ओडिन उसे तोड़ देता है, जिसके बाद हेला का क्राउन लेके उसे अर्थ पर भेज देता है और थॉर की तरह उसके क्राउन पर एन्चेंटमेंट देता है, जो इसके काबिल होगा उसे हेला की पावर्स मिल जाएगी और उस क्राउन को भी हेला के साथ अर्थ पर भेज देता है, जिसे कि एक्सु बेनबू और उसकी सेना ढूंढ लेती है। और एक्सु जो कि शांगची के पिता होते हैं, उनके पास 10 रिंग्स होती है, उसे ये अच्छे से पता होता है कि ये इस दुनिया का नहीं है। फिर उनके पास वहाँ हेला आ जाती है और उनकी सेना से कहती है मुझे मेरा क्राउन ला के दो। तो एक्सु उसके पास आके बताता है कि ये सिर्फ मेरा ऑर्डर मानती है, जिसके बाद हेला उसे लड़ने के लिए क्राउन पहनने लगती है, पर वो उसके ऊपर नहीं आता तो अपनी सॉर्ड निकालने की करती है, उसके हाथों में कुछ नहीं आता और फिर उसके सिपाही आके उसे मार के गिरा देते हैं, जिसके बाद हेला उन सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देती है। तो एक्सु उसे अपनी 10 रिंग से बांध देता है। फिर हेला उससे कहती है अगर मेरे पास मेरा क्राउन होता तो तुम मेरे सामने झुकते। तो एक्सु उसे उसके क्राउन के पास ले जाता है, जहां हेला क्राउन को उठाने लगती है, पर उसके बहुत कोशिश करने पर भी वो क्राउन नहीं उठता, जिसके बाद एक्सु उसे अपने साथ उसके महल में ले जाता है, जहां वो हेला को अपने साथ डिनर करने को बोलता है और उसे वहां के कपड़े पहनने की कहता है। फिर हेला उन कपड़ों को पहन के आती है तो उसे बहुत अच्छी लगती है, जिसके बाद हेला उसके साथ डिनर करती है। फिर एक्सु उससे कहता है तुम एक फाइटर हो मेरी तरह, जिसपे हेला उससे कहती है मेरे पिता भी ऐसा ही कहते थे, पर जब मेरा मकसद उनके मकसद से बड़ा हो गया तो उन्होंने मुझे मॉन्स्टर कहा, जिसके बाद मुझे यहाँ भेज दिया। फिर एक्सु कहता है पर मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, जिसके बाद उसे बताता है कि हमारा राज्य एक खतरनाक सेना का सामना कर रहा है और उससे कहता है हम साथ मिलकर इस दुनिया को बचा सकते हैं, जिसके बाद हेला उसके पास आके उसे मारती है। फिर उससे रिंग्स लेने लगती है तभी सिपाही आ जाते हैं, तो हेला वहाँ से भाग जाती है और एक छत में से नीचे जाके गिरती है। वहाँ उसे एक जानवर मिलता है जिसका पीछा करके वो वहाँ से घोड़े पर बैठ के चली जाती है और उसे भी अपने साथ ले जाती है। तो वो उसे रास्ता दिखाता हुआ जंगलों के पास ले जाता है और हेला से अंदर चलने को बोलता है। इसके बाद वहाँ के पेड़ भी दूर हो जाते हैं और एक रास्ता बन जाता है, तो हेला उस रास्ते से अंदर जा रही होती है। फिर वो जानवर हेला को भागने को बोलता है, जिसके बाद हेला अपने पीछे देखती है तो रास्ता बंद होते जा रहा होता है, तो हेला उस घोड़े को भगाते हुए जंगल से बाहर निकल जाती है। फिर वो अपने सामने देखती है तो उसके सामने एक पूरा गांव होता है। तभी हेला पर कोई हमला करने लगता है जो कि एक लड़की होती है। फिर हम एसगार्ड में हेमडाल को देखते हैं, जिसे कि अर्थ पर हेला दिखना बंद हो जाती है। इसके बाद हेला की आंखें खुलती है तो उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। फिर वो लड़की हेला को अपना नाम जिया बताती है, तो हेला उसे अपने बारे में बता रही होती है। तो जिया उससे कहती है हम तुम्हें जानते हैं कि तुम कौन हो, और वो जानवर भी जिया का होता है। फिर हेला उससे कहती है मुझे पता नहीं था कि मिडगार्ड पर अभी भी जादू होता है। तो जिया उससे कहती है हम बाहर की मुसीबत से अर्थ को बचाते हैं। तो हेला उनसे कहती है मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मेरे अलावा सिर्फ 3 ही है जो अर्थ के लिए खतरा है, ओडिन, फ्रेगा, बेनवू। वे कब आके अपना काम कर जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जिसपे जिया कहती है अंधकार से भी ज्यादा अंधकार को सिर्फ लाइट खत्म कर सकती है। फिर हेला उसे ये सब सिखाने को बोलती है, उसे कहती है मैं भी तुम्हारी बाहर की ताकतों से लड़ने में मदद करूंगी। तो जिया उसे ये सब सिखाने के लिए मान जाती है। फिर हम एसगार्ड में देखते हैं, जहां हेमडाल ओडिन से जाके कहता है मुझे हेला दिखाई नहीं दे रही। तो ओडिन उससे कहता है तुम्हें लगता है कि वो मर गई, जिसपे हेमडाल कहता है ऐसा एक ही कर सकता है जिसके पास 10 रिंग्स है। तो ओडिन कहता है अगर मिडगार्ड पर ऐसी शक्तियां हैं तो मुझे अभी कुछ देर तक शांति रोकनी होगी। इसके बाद हम हेला को देखते हैं, जिसे जिया हेला को वहां बैठ के थोड़ी देर तक ध्यान लगाने को बोलती है और उसे पेपरों को फोल्ड करते हुए फोकस करने को बोलती है, पर हेला उसकी तरह पेपर को बनाए नहीं पाती। जिसके बाद वो हेला से कपड़े सुखवाती है और वहां के सभी कपड़ों को उड़ा के हेला के पास घुमाती रहती है और उससे पूछती है तुम ये क्यों सीखना चाहती हो। तो हेला कहती है मैं इससे 10 रिंग छीन लूंगी और फिर अपने पिता से बदला लूंगी, जिसके बाद मैं कॉन्करर कर लूंगी। और हेला उन कपड़ों से गिर के सोच रही होती है जब वो छोटी थी तो फेलिकेरिया से खेल रही थी, तभी उसके पिता ओडिन ने उसकी गर्दन बांध दी। तो हेला उनसे कहती है आपने इसे चैन क्यों लगा दी, इससे इसे दर्द होगा। तो ओडिन उससे कहता है नहीं होगा, ये एक फाइटर है इसके जैसो की तरह। फिर जिया उससे पूछती है तुम ये कॉन्करर कर लोगी उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए। तो हेला गुस्से में उन सभी कपड़ों को हटा देती है और कहती है मुझे आजादी चाहिए ताकि मैं अपने रास्ते खुद चुन सकूं। इसके बाद जिया उसे चीजों को कंट्रोल करना सिखाती है। फिर हेला उन कागज के टुकड़ों को भी सही बना लेती है और फिर हेला लड़ना भी सीखती है, जिसके बाद वो चीजों को
कंट्रोल करना भी सीख जाती है और बैठ के सांसें ले रही होती है तभी उसे बाइफ्रॉस्ट दिखता है। तो एला वहाँ से लड़ने के हथियार और कपड़े पहन लेती है। तभी वहाँ जिया जाती है और कहती है तुम्हारी ट्रेनिंग कम्प्लीट हो गई है। तो एला कहती है ओडिन टेन रिंग्स को ढूंढने के लिए आ गया है, मुझे उसे रोकना होगा। जिसपे जिया कहती है हम गार्डियंस है ना कि फाइटर। फिर एला कहती है मैं बिना फाइट के कुछ भी नहीं हूँ। जिसके बाद एला वहाँ से चली जाती है। फिर हम एक्सू और उसकी सेना को देखते हैं जो कि एस्कार्डियन सेना से लड़ रहे होते हैं और ओडिन एक्सू को दूर से लड़ता हुआ देख रहा होता है। जिसके बाद एला एक्सू के पास आ जाती है और दोनों साथ मिलके एस्कार्डियन सेना से लड़ रहे होते हैं। फिर वहाँ ओडिन आ जाता है और एला से कहता है हेमडाल को तुम कुछ देर तक दिखी नहीं, हमें लगा कि तुम मर गई, मैं यहाँ तुम्हें देखने के लिए आया था। जिसपे एला कहती है हाँ टेन रिंग्स को लेने के लिए भी। तो ओडिन कहता है टेन रिंग्स इसके लिए नहीं है, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, हम मिडगार्ड की रक्षा करेंगे। पर एला इसके लिए नहीं मानती और उससे कहती है तुम इस जगह को छोड़ दो और वापस कभी मत आना, तुम सिंहासन के चक्कर में ये भूल गए कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। जिसके बाद ओडिन कहता है शायद तुम भूल गई हो, मैंने तुम्हारा क्राउन छीन लिया है। और फिर गोंगनेर से उन दोनों पे हमला करता है जिसे कि एला अपनी शील्ड से रोके रखती है और एक्सो अपनी टेन रिंग से ओडिन पर हमला करता है। जिसके बाद एला ओडिन से लड़ने के लिए चली जाती है और एक्सो उसकी टेन रिंग से मदद कर रहा होता है। जिसके बाद दोनों ओडिन से लड़ने लग जाते हैं पर ओडिन उन दोनों को हरा देता है और एक्सू को मारने के लिए आता है लेकिन एला उसे बचा लेती है। फिर एक्सू गोंगनीर को दूर कर देता है जिसे कि एला ले लेती है, लेकिन ओडिन एला को मार के गोंगनीर को ले लेता है और एक्सू को मारने वाला होता है। तभी एला आग वाले चाकुओं से ओडिन पर हमला करती है और फिर एला उसके पास आती है। फिर जैसे उसने ट्रेनिंग करी वैसे ही गोंगनीर को पकड़ के छीन लेती है। जिसके बाद एक्सू आके ओडिन को मारता है। फिर एला ओडिन को हाथ देते हुए कहती है चलो अब इस वायलेंस को खत्म करो। दूसरी ओर उसका क्राउन भी हिलने लगता है। फिर हम ओडिन को देखते हैं जो कि उसकी पकड़ लेता है और उससे कहता है मेरी बेटी ऐसा कब से हो गई जो किसी की जिंदगी बख्श दे। तो एला उससे कहती है जैसा आपने कहा किसी भी देवता का मौत पर बस नहीं होता। फिर हम क्राउन को देखते हैं जो कि वहाँ से चला जाता है और एला पर आंखें लग जाता है जिससे ओडिन भी दूर हो जाता है। और फिर ओडिन उस पर हमला करता है जिसे कि एला कंट्रोल करके उसी पर दे देती है। फिर ओडिन उससे कहता है मैंने तुम्हें यहाँ सीखने के लिए भेजा था पर तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा सीख गई, अब सिंहासन तुम्हारा है, तुमने ये जीता है। तो एला उससे कहते हैं मैं तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट कर दूंगी, इसमें वक्त तो लगेगा लेकिन इसके बाद नाइन रियल्म्स आजाद हो जाएगी। ओडिन एला को ऐसे देख के उससे कहता है तुम्हें क्या हो गया। तो एला कहती है अब मैं सब जगह शांति लाऊंगी। इसमें एक्सू भी उसका साथ देता है। फिर वॉचर कहता है एक युद्ध के मैदान में आदमी और महिलाएं, इंसान और देवता, टेन रिंग्स और एस्कार्डियन सेना सभी ने मिलकर एक साम्राज्य बनाया जो कि पूरे ब्रह्मांड तक फैलेगा। फिर हम थेनोस को देखते हैं जो कि गमोरा के ग्रह को तबाह करने के लिए आता है। पर तभी वहाँ एला और एक्सू और उनके साथ आर्मी आ जाती है। इसी के साथ ही बाटी सीजन 2 का एपिसोड 7 खत्म जाता है। आई होप सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। पर्सनली मुझे ये एपिसोड बहुत पसंद आया। अगर आप सभी ने इससे पहले के एपिसोड नहीं देख रखे तो चैनल में जाके देख सकते हैं।